एक बड़ी खबर लखनऊ से, स्मार्ट मीटर केस से जुड़ी रिपोर्ट जल्द सीएम को सौंपी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एसटीएफ की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर कल देर शाम हुई थी उच्च स्तरीय बैठक और मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की थी बैठक और रिपोर्ट में विभागीय लापरवाही का जिक्र भी किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, स्मार्ट मीटर केस से जुड़ी रिपोर्ट जल्द ही सीएम को सौंपी जाएगी। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी है और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और रिपोर्ट में विभागीय लापरवाही का जिक्र भी सामने आया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए। विशाल, स्मार्ट मीटर को लेकर ये जो पूरी जांच चल रही थी उसमें कई तरीके की खामियों का भी जिक्र किया गया है और ये जल्द रिपोर्ट सौंपी जानी है मुख्यमंत्री को। देखिए बिल्कुल, एसटीएफ ने चूंकि अपनी जांच जो है वो कंप्लीट कर ली थी और स्मार्ट मीटर को लेकर जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर उस जांच रिपोर्ट में जिक्र भी किया था, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने कल देर शाम एक बैठक की है। तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक करने के बाद अब ये माना जा रहा है कि कई अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की जाएगी। और इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे खास बात ये रखी गई थी कि एसटीएफ को इस मामले की जांच दी गई थी कि जन्माष्टमी के दिन आखिरकार स्मार्ट मीटर कैसे एक साथ जो है ड्रिप हो गए थे, जिसकी वजह से जो लाइट की सप्लाई थी, जो बिजली की सप्लाई थी वो बाधित हो गई थी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये स्थितियाँ देखने को मिली थी। ऐसे में कहीं ये बड़ी साजिश तो नहीं है, इसके लिए एसटीएफ को जाँच दी गई थी। एसटीएफ ने अपनी जाँच में ये पाया है कि स्मार्ट मीटर लगाने में विभागीय अधिकारियों ने लापरवाही बरती थी। इसके साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही तमाम जगहों पर जंपिंग की शिकायतें भी आ रही हैं। उसमें बकायदा यह भी लिखा था, रिपोर्ट में लिखा गया था कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं किया था, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने अपनी बैठक की है। बैठक करने के बाद उस रिपोर्ट पर चर्चा की है। इसमें तमाम जो अधिकारी थे संबंधित, जिन्होंने जांच की थी, उस विभाग के अधिकारी थे। तो ऐसे में अब जल्द ही सीएम के सामने ये रिपोर्ट जाएगी और माना जा रहा है कि इस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो विभाग बिल्कुल तो माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।